आज हम जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है, जो 2016 से मुसलसल हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि लोगों में इसकी बेदारी पैदा हो, क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है कि रात के 2 बजे 3 बजे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके अटेंडर्स क्या कहते हैं कि हमें ब्लड देते नहीं। 2016 से हम ये काम शुरू किए, जिसमें 30 उलमा जो है ब्लड डोनेट किए, और उस वक्त से उस साल से हर साल जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर ये ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, जिसमें थोड़े उलमा भी करते हैं, बाकी के दूसरे लोग भी डोनेट करते हैं। ये बहुत कार खैर है, और जिससे उस पेशेंट की जान बच सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड जाते रहता है और जान का खतरा रहता है, उस वक्त में अगर ब्लड की ज़रूरत जो रहती है दी जाए तो पेशेंट बच सकता है। कि हमने बहुत से मरतबा देखा है कि ऐसा ब्लड जा रहा है, और हमारे डॉक्टर साहब जब मैं ऑपरेशन कर रहा था तो एनेस्थेटिस्ट कह रहे थे कि कुछ तो करो, तो जैसे ही हमने आर्टरी को क्लैंप किया तो तब थोड़ा सा रुक गया, और ब्लड जैसे ही शुरू किया मेरे ख्याल से 10 मिनट में एक बॉटल पूरी ख़त्म की उन्होंने, तो उसकी जान उसी वक्त वैसे वक्त में बच गई। वैसे बहुत से मिसालें हैं, बहुत से जगह होता है, वो दूसरे बीमारी में होता है, एक्सीडेंट्स में होता है, चचके के मौके में होता है, बीमारी में होता है, कैंसर के बीमारी में होता है, ब्लड की ज़रूरत हार्ट के ऑपरेशन की वक्त में ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये ब्लड मार्केट में नहीं मिलता, इसको इंसान ही देना, डोनेट करना पड़ेगा, इंसान के खून को इंसान ही देना पड़ेगा, तो इसलिए इंसानों की ज़रूरत है। और ये बहुत से लोग देते हैं, 3 महीने में एक बार देना चाहिए, ये तो आदत होनी चाहिए। सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप 3 महीने में हर मर्तबा दें, जिससे किसी की जान जाएगी, जान जाने से बच सकती है, और दूसरा जो है आपके सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है अच्छे नए खून बनने की जिस्म में, और इससे कैंसर के परसेंटेज कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो इसको देने से आपके भी फायदे हैं और दूसरों का भी फायदा है। इस मौके पर इतना ही कहकर मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला, दुरूद व सलाम हुजूर की आल व असहाब पर, हुजूर पर। आज हम यहाँ पर जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की शाख हुबली के ज़ेर एहतमाम ब्लड कैंप का एहतमाम किया है, और ये गुज़श्ता 9 साल से मुसलसल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से ब्लड कैंप मुनाकिद होता है। इसमें बिलखुसूस हमारे तमाम उलमा और हमारे सरप्रस्त मेरे बगल में बैठे हैं, ताजुद्दीन पीरान साहब कबीला मेरे दाई जानिब बैठे हैं, हमारे शहर के मशहूर व मारूफ डॉक्टर जनाब बीजापुरी साहब, अपने पूरे डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस के टीम के साथ, हमारे तमाम अहबाब के साथ ये ब्लड कैंप को मुनाकिद करते हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ख़ासकर ब्लड कैंप को मुनाकिद करने का मकसद ये है कि भाईचारा कायम हो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बीमारों और मरीजों की मदद की जाए। ब्लड कैंप के ज़रिए से एक मैसेज देना मकसूद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर जान की कीमत अनमोल बताई है, कि जान अल्लाह ताला ने पैदा किया है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इंसानियत का एहतराम, इंसानी खून का एहतराम बताया जा रहा है। ब्लड कैंप के ज़रिए से ये पैगाम देना मकसूद है। मैं आपकी इतला में बात देना चाहता हूँ कि कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी मुख्तलिफ कुरान की आयात के ज़रिए से पैगाम दिया है कि सेहत बड़ी नेमत है, सेहत बड़ी दौलत है। चुनांचे कुरान करीम में कम से कम 6 आयतें ऐसी हैं जो बराह रास्त जिन आयात में लफ्ज़ शिफा का जिक्र है,
लफ्ज़े शिफा का जिक्र है कि कुरान करीम हमारी जिस्मानी अमराज व इलल का इलाज भी है, हमारी रूहानी अमराज व इलल का इलाज भी है, हमारी ज़ाहरी बातनी बीमारियों का इलाज भी है। हमारे आका रहमतुल आलमीन जिन पर यह किताब उतरी है, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे। किताबों में लिखा है कि जब तक हमारे आका रहमतुल आलमीन मदीना मुनव्वरा में थे, अपने सहाबा की झुरमट, अपने सहाबा की बज में, वहां कभी कोई तबीब, कभी कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए नहीं आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इलाज बताए हैं इंसानियत के एहतराम के लिए, इंसानियत के खून के एहतराम के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से आपने बहुत सारे नुस्खे अता फरमाए हैं, बल्कि उलमा का, मशायख का कहना यह है कि मदीना की खाक भी जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। शायर कहता है, न हो जिस बीमार को सारे न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी सी खाक उनके आस्ताने से। तो हुजूर की विलादत पाक के सदक़े में, हुजूर की मिलाद पाक के सदक़े में डॉक्टर बीजापुरी साहब अपने तमाम डॉक्टर्स को लेकर, हम तमाम उलमा को लेकर, अपने तमाम अहबाब को लेकर मुसलसल 9 साल से ये ब्लड कैंप यहाँ पर जमात अहले सुन्नत कर्नाटका शाख हुबली के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद करते हैं। एक बहुत बड़ा पैगाम है और सैकड़ों यहाँ पर आते हैं, अपना ब्लड का डोनेशन पेश करते हैं ताकि उनका ब्लड मुसीबत के मौके पर किसी मरीज के इलाज के लिए काम आए, किसी बीमार के इलाज के लिए काम आए। दरअसल इस्लाम जो है हमदर्दी और खैरख्वाही का मजहब है। दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना आदमियत है यही, और यही इंसान होना। तो मजहब इस्लाम ने, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी खैरख्वाही का दरसता फरमाया है, इंसानियत का दरसता फरमाया है। ये अजीम पैगाम आज के इस ब्लड कैंप के जरिए से हम सारे आलम इस्लाम को, बरादरान वतन को देना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हुजूर की विलादत पाक सदके में अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खुशहाली तरक्की अता फरमाए, अमन सलामती अता फरमाए, और हमारे डॉक्टर हजरात, हमारे नर्सेस जो इस टीम में जुड़े हुए हैं, इन तमाम को अल्लाह ताला इसकी बेहतर से बेहतर जजा अता फरमाए। शुक्रिया, जजाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नहमदु व नसल्लि अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज जमात अहले सुन्नत शाख धारवाड़ हुबली धारवाड़ की जानिब से डॉक्टर बीजापुरी हॉस्पिटल में डॉक्टर बीजापुरी साहब के सरपरस्ती में ये 9 साल से मुसलसल ब्लड डोनेशन कैंप जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल की आमद आमद के सदक़े में ये हर साल जो है ये कैंप मुनक़द होता है। कई लोग ब्लड डोनर्स इसमें आते हैं और इसकी ख़ास वजह यह है कि हमारे डॉक्टर बीजापुर साहब के हॉस्पिटल में ख़ास करके हमारी माएँ बहनें और दीगर कौम के ख़वातीन आते हैं जिन्हें सख्त ब्लड की, खून की, अतिये की ज़रूरत पड़ती है। इसी नस्बत से बीजापुर साहब ने शुरू के दिन से ही जमात अहले सुन्नत शाख हुबली के बड़ा ताउन फरमाया और 9 साल से हम लोग जो है ये कैंप में शिरकत करते हैं। तमाम शहर के उलमा मशाइखीन और शहर के जिम्मेदार हजरात मुतलियाने कराम हुज्जाजे कराम और बिलखसूस नौजवान तबका जो है इस कैंप से जुड़ा हुआ है और 12 रबीउल की आमद आमद का इंतजार करते हैं। कल ही किसी ने मुझे फोन किया, पूछा कि भाई ये कल ही कैंप है या परसों है, तो आज की तारीख में जो है ये आज के दिन 14 सितंबर को आज हम लोग ये ब्लड कैंप हुबली शहर में डॉक्टर बीजापुरी हॉस्पिटल में ये कर रहे हैं। और मैं तमाम शहर के नौजवानों से बिलखसूस अपील करता हूँ कि ब्लड कैंप से जुड़े ताकि आपका एक नबी के मोहब्बत में, अकीदत में जो खून का अतिया करते हैं वो तो किसी एक माँ बहन के मर्ज के दरमियान में या ऑपरेशन के दरमियान में खून की कमी जब पेश आती है तो उस वक्त उसका सही इस्तेमाल हो। मैं बिल्कुल शहर के नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप इस कैंप से जुड़े और इसमें ब्लड का अतिया करके आप दुनिया और आखिरत को अपने संवारे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मिलाद का इसके वजह से क्या ये ऑर्गेनाइज किए है, पहले मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद बोलना चाहता हूँ। और ऐसे हर ये ईद के टाइम में और ओकेजन टाइम में ये ब्लड डोनेशन कैंप करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवानों को मोटिवेट करना इसका एक इरादा रहता है और इसमें सब लोग भागी लेके इसको हर टाइम और कहाँ ज़रूरत पड़ता है ब्लड देने से बहुत सारे लोगों को थोड़े गलत
मैसेज भी जाता है ब्लड देने से हम वीक होते हैं करके, वैसा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उनको हेल्थ के लिए अच्छा, और ये ब्लड देने से हर ऑर्गन्स में, ये बॉडी ऑर्गन्स में आई रहेगा जो दूसरे ऑर्गन्स से, ये ज्यादा इससे फायदा होता है। और 3 मंथ्स मिनिमम 3 मंथ्स एक बार, मोर देन 18 ईयर्स और 60 ईयर्स के अंदर सभी लोग दे सकते हैं। ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಆಗಲಿ ನಾವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳಗುಣ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ನಮಗೆ ದುಷ್ಟ ರೋಗಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾನು 5ನೇ ಬಾರಿ ಇದು ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.